नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर भारत। मैं हूं आपके साथ समृद्धि शिवानी। आज देश भर में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। राजधानी पटना में क्रिसमस की धूम मची हुई है। क्रिसमस डे दुनिया में सर्वाधिक मनाए जाने वालों में से एक है। यह ईसाई धर्म का विशेष फेस्टिवल है, लेकिन हिंदू भी इसे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे तो सभी त्योहार प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाए जाते हैं। क्रिसमस डे का भी यही उद्देश्य है। खासतौर पर बच्चों में प्रेम और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए इस दिन कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इस दिन सांता की प्रथा का अनुसरण किया जाता है। छोटे बच्चे सांता क्लॉज से नए नए गिफ्ट्स की विश करते हैं और इस दिन सांता उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा ही आज पटना के मलाई पकड़े से स्लम बस्तियों में हुआ है। समाज सेवी रंजीत कुमार चंद्रवंशी द्वारा क्रिसमस मनाया गया। सांता क्लॉज यानी समाज सेवी रंजीत कुमार चंद्रवंशी द्वारा स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों को गिफ्ट दिए गए। रंजीत कुमार चंद्रवंशी ने बच्चों को कपड़े, किताबें और चॉकलेट्स दी। इससे बच्चों में काफी खुशी देखने को मिली। बच्चे के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रंजीत कुमार चंद्रवंशी ने बच्चों के साथ क्रिसमस के गानों पर डांस भी किया। बच्चे भी अपनी मस्ती में झूमे जा रहे थे। क्रिसमस त्योहार का जो उद्देश्य है, उसे सही मायने में रंजीत कुमार चंद्रवंशी ने स्लम बस्तियों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर बताया है। आज 25 दिसंबर हम लोग क्रिसमस दिन और बड़े दिन के रूप में मनाते हैं, और हम लोग यहाँ ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे के बीच में हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं, और लोगों को, गरीब बच्चे को, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे स्लम बस्ती में, ये लोग बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए ख़ास तौर पर यह काम कार्यक्रम है। और बहुत देख रहे हैं कि बहुत खास उमंग के साथ में बच्चे लोग जो हैं खुशियां मना रहे हैं, सांता क्लॉज के ड्रेस पहने हुए हैं, और इन लोग जो है उमंग के साथ में हैं। तो ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। धन्यवाद।